माई न्यू ब्लॉग राधे राधे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपका अपना प्यारा छोटा भाई शिवम आज आपको मथुरा में एक पवित्र स्थल पर लेके जा रहा हूँ। शायद आपने देखी होगी, अगर आपने देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ये हम लेकर चलते हैं आपको, आज मैं लेकर जा रहा हूँ आपको कुसुम सरोज कुंड एंड राधा रानी कुंड, जो कि मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना ब्लॉग, और बने रहना मेरे साथ में, लास्ट तक जरूर देखना और मेरे उसको सपोर्ट जरूर करें। आज मैं आ चुका हूँ कुसुम सरोवर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों करोड़ों की भीड़ आती है और तमाम श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, सरोवर कुंड है। ये लगभग 5000 वर्ष पुराना कुंड है। तो गाइस हमारे साथ में हमारे भैया सौरभ भैया, इनका भी डांस चैनल है। तो जब आपको हम लेके चलते हैं सरोवर कुंड के अंदर की तरफ। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पीछे बहुत अच्छा ही व्यू आ रहा है और अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अब अंदर की तरफ लेके चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं कैसा लग रहा है अंदर का नज़ारा, और चारों तरफ से आपको दिखाएंगे। Look the other way, sun is out but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Oh,
आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और आप पीछे देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा ही महसूस हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है यहाँ पर आकर। और पीछे आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मेरे पीछे भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप बता सकते हो कैसा लग रहा है ज़रूर बताओ कमेंट में, मुझे को ज़रूर बताओ। उसके बाद हम जाएंगे राधा कुंड पर। फ्रेंड्स मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ ज़्यादा आहुई अष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन आहुई अष्टमी के दिन अगर कोई व्यक्ति निसंतान व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो उसे संतान की प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो फ्रेंड्स राधा कुंड के बारे में बता दूँ मैं, राधा कुंड बहुत ही प्राचीन समय से बना हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये श्याम कुंड है, और वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर राधा कुंड है। अगर आपको एक बार टाइम मिलता है तो आप टाइम निकाल कर ज़रूर यहाँ पर आएं, और बहुत अच्छा महसूस होगा आपको आकर, और बहुत पॉजिटिव फील होगा आपको यहाँ। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे।